हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक्सरसाइज 8.1 का 11th क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसको पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं अच्छे से। तो इसमें लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ टेन ए इज ऑलवेज लेस देन वन। क्या हमेशा टेन ए की वैल्यू लेस देन वन हो सकती है? तो लेट्स ट्राई। तो पहले हम देख लेते हैं टेन ए जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं। हमने आपको बताया हुआ है ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या होता है साइन कॉस, ये टैन। तो टैन कितना होता है? पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। अब यहाँ पर हम एक बना लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाते हैं हम। ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब यहाँ से हम क्या बनाते हैं, यहाँ पर इसने बोला है ना ए, तो यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं। ये इसका एंगल ए है। इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर हम यहाँ पे अपनी तरफ से लिख लेते हैं टेन, और ये बेस हम लिख लेते हैं इसमें 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं टेन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टेन बेस 5, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अब ये 2 क्या है? ग्रेटर देन 1। ये कंडीशन फर्स्ट हो गई। अब कोई और सी कंडीशन देखते हैं। अब हमने क्या लिया है, अब हम लेते हैं इधर वाला एंगल, ये लेते हैं एंगल ए। एंगल ए के सामने वाली चीज़ क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, तो ये टेन। इसके बराबर वाली चीज़ स्पेस, तो ये 5। तो यहाँ पर टेन ए कितना हो जाएगा? यही पी अपॉन बी। यहाँ पर पी कितना हो जाएगा? टेन। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ये अपने लिया है यहाँ पर, ये 5, सॉरी ये 5 है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और ये बेस हो जाएगा 10। अब इसको कट करो कितना आ जाएगा? पॉइंट से में आ जाएगा ना, जब इसको कट करेंगे तो 0.5 समथिंग आएगा। ठीक है, तो अब को क्या चीज़ बड़ी हुई है? 1। ठीक, तो कभी तो हमारा ये 1 छोटा हो रहा है, कभी कि हमारा 1 बड़ा हो रहा है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? तो ये क्या है, इट्स ट्रू और फॉल्स? तो इट्स अ फॉल्स, ये हमारे लिए फॉल्स है। ओके बच्चों, तो अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेक ए बोला हुआ है। अभी हमने यहाँ पर आपको बताया, क्या बताया अभी हमने यहाँ पे आपको, ये क्या होता है साइन कॉस टैन कोसेक सेक। तो सेक कितना होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो पहले हम लिख लेते हैं, सेक दिया हुआ है इन्होंने हमें, सेक ए इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस 12 ये 5। इसका अब राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने, हम इसको मान लेते हैं ये ए है, ये ए दिया हुआ है, तो इसके सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर, इसकी साइड वाली चीज़ बेस, तो बेस कितना हो गया? 5। हाइपोटेनियस हो गया 12। ठीक है, अब जब इन्होंने हमें हाइपोटेनियस 12 दिया हुआ है, तो ये इन्होंने बोला हुआ है कि सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ ए, एंगल ए, ए के लिए क्या वैल्यूज होगी इसकी। तो हमारी जो वैल्यूज होगी ना, इसमें हमेशा हमारा हाइपोटेनियस ऑलवेज बड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा इसकी वैल्यू ना, ए की वैल्यू हाइपोटेनियस से छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज हाइपोटेनियस इज लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पर हमारे जो परपेंडिकुलर निकाले गए हैं, तो ये इससे बड़ी होगी हमेशा। हाइपोटेनियस हमेशा बड़ी होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर और बेस से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें बोला हुआ है, कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। तो क्या कॉस ए की वैल्यू, क्या कॉस ए इसका एब्रीविएशन है? नहीं, कॉस ए का जो एब्रीविएशन होता है वो होता है कॉस ए इज इक्वल्स टू कोसाइन ए। ओके, और जो कोसेक का एब्रीविएशन होता है, कोसेक ए का होता है कोसेंट ए। तो ये हमारा क्या है? इट्स रॉन्ग, इट्स अ फॉल्स। और ये जो हमारा ऊपर वाला है, इट्स अ ट्रू, और उससे ऊपर वाला फॉल्स। अब हम चलते हैं अपना कौन से क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इन्होंने क्या बोला हुआ है? कॉट ए बोला हुआ है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए। क्या ये इनका प्रोडक्ट होता है? तो इनका प्रोडक्ट नहीं होता। ये क्या होता है? कॉट ए इज सिंगल टर्म, इट इज
नॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, कॉट ए, ठीक है, कॉट ए एंड ए का ये प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 11th का फिफ्थ, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? साइन थीटा 4.5 और सम एंगल थीटा, क्या ये हमारे सम एंगल थीटा के लिए ही होता है? ठीक है, तो हम देखते हैं अभी होता है या नहीं होता है। तो हम इसका एंगल बना लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5। साइन क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन H होता है। अब इसका हम एक एंगल बना लेते हैं, राइट एंगल, तो ये थीटा मान लेते हैं। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 4 दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। ओके बच्चे, सॉरी 5 नहीं दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, दिया हुआ है इट्स अ 3। हाइपोटेन्यूज ना हमेशा, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी होती है, बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों से बड़ी होती है हमेशा हाइपोटेन्यूज। तो हमारे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर बड़ा है हाइपोटेन्यूज से, तो ये हमारा रॉन्ग है, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर दैन परपेंडिकुलर एंड बेस। ओके बच्चों, तो आप हमें बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।